कहावत तो आपने सुनी होगी, अंगूर खट्टे हैं। चलिए उन्हीं खट्टे अंगूरों के जीवन में थोड़ी सी मिठास भर देते हैं। तो करना क्या है ना, यहाँ पे हमने अंगूर लिया है और साथ में चीनी ली है। पैन में डालने की बजाय आपको उसे डालना है ब्लेंडर में और इसे पीस लेना है। उसके बाद ब्लेंडर से इसे शिफ्ट कर देना है एक पैन में और इसको चलाना है। अब इसमें हल्का सा मैंने कलर डाल दिया है और इसे 10 मिनट्स लो फ्लेम पे और 10 मिनट्स मीडियम फ्लेम पे पकाना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे यार बनाया क्या जा रहा है आखिर। तो हम यहाँ बना रहे हैं अंगूर का जैम। तो उसके बाद ना हमें यहाँ पे जब बन जाए तो नींबू डाल देना है और किचन में ढूंढनी है कोई भी एक ऐसी बॉटल जो खाली हो, उसको गर्म पानी में धो दो, उसके बाद उसको पोंछ लो और उसमें जैम भर दो। अब क्या करो यार, देखो बढ़िया मस्त सा अंगूर का जैम बन के तैयार है। अब इसे बढ़िया सी ब्रेड पे लगाओ और खा लो। इतना अच्छा कलर, इतना अच्छा टेस्ट है ना, गजब का। तो खाओ पियो, खुश रहो और मज़े करो।